Yeah. <laughs> you वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस वीडियो दिफोर प्रोसीडिंग आई आई विल लाइक टू टेल यू फोर्स वट एक्चुअली इम्प्लिस आर सो हमने जो लास्ट वीडियोज में डेरेवेटिव कैलकुलेट किए थे फंक्शन के इट वॉज यूजअली इन द फॉर्म ऑफ वाईज इक्वल टू एफेक्ट्स आपको पता ही होगा जिससे हमने डेरेवेटिव निकाला था तो वो जो फंक्शंस जिसमें हमने सोल्व करके फाइन किया था वट एक्चुअली डी वाई बाय डी एक्स या वाई डैश इज और एफ डैश एक्स दोचुअली दी एक्सप्लिड फंक्शंस एक्सप्लिस फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली हमें वाई जो है जिसमें ईजिली कैल्कुलेट हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ एक्स टर्म्स जो होती है वो एक साइड पर होती है और वाई जो होती है वो हमारी एक साइड होती है वो उसमें कुछ इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती तो वो जो होता है वो हमारा एक्सप्लिस फंक्शंस बट हमें कुछ क्वेश्चन में लाइक यू के नॉट ऑलवेज से कि आपको इसी फॉर्म में इसी रिप्रेजेंटेशन में आपको डेरिवेटिव निकालना आएगा नो no. कुछ टर्म तो में हमारा कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिसमें वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है और जब उनके बीच में रिलेशन जो है वो बहुत वो ज्यादा डिपेंडेंट है लाइक दोज फंक्शन विल बी इम्प्लिसिड फंक्शन तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके इम्प्लिसिड फंक्शन समझाती हूँ कि क्या इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जैसे कि आप ले सकते हो एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो आपको एक इम्प्रिसिड फंक्शन हुआ तब अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कुछ अलग नहीं है टेल यू कि कुछ अलग नहीं है जैसे हम निकालते थे पहले ही वैसे ही निकालना है बस हमें क्या करना है एंड में जब हमारा डीवाई बाय डीएक्स आएगा उन टर्म्स को हमें कॉमन आउट करके एक साइड रखना है और बाकी जिन टर्म्स में डीवाई बाई नहीं है उसको हमें दूसरी साइड रखना है तो हम ये कैलकुलेट करते हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि क्या करना है हम एक एक स्टेप से चलेंगे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है इस एक्सप्रेशन का सबसे पहले हम एक्स से स्टार्ट करते हैं एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन वी विल कीप इट एज वन प्लस साइन एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले ये आप देख सकते हो ये आपका चेन रूल का फॉर्मूला बन रहा है आपका फंक्शन इन फंक्शन है तो आपको साइन का निकालना है सबसे पहले क्या आएगा एक्स वाई एक्स वाई को एज इट इज लिखा अब आपको एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन निकालना है एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन में आप समझ रहे हो कि आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है पहले एक टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना है यू का यू हमारा एक्स है वी हमारा वाई है तो यू का डेरिवेटिव वन वाई एज इट इज प्लस एक्स को एज इट इज रखा वाई का डेरिवेटिव इज डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो बस ऐसे ही करना था अब हम ब्रैकेट को कॉल ओपन करते हैं वन प्लस वाई कॉस एक्स वाई आपने इसको ओपन किया प्लस एक्स आएगा एक्स कॉस एक्स वाई और dy बाय डीएक्स माइनस डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू जीरो अब क्या करना है आपको dy बाई डीएक्स वाली टर्म्स को एक साइड रखते हैं बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या आया आपका एक्स कॉस एक्स वाई डीवाई बाय डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन वाले को इधर ले जाते हैं माइनस वन माइनस वाई कॉस एक्स वाई अब डी डीवाई बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं डी डीवाई बाई एक्स हमने कॉमन लिया आया एक्स कॉस एक्स वाई माइनस वन इधर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस वन प्लस वाई कॉस एक्स वाई अब डीवाई बाय डीएक्स अब dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वाई कॉस एक्स वाई और टर्म को डिनोमिनेटर ले जाते हैं एक्स कॉस एक्स वाई माइनस वन अब माइनस को कैंसिल करने के लिए थोड़ा अलग लग रहा है मतलब ठीक है ये आपका सोल्यूशन है बट तो इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या करते हैं हम हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन ले लेते हैं वन प्लस वाई एक्स कॉस एक्स वाई माइनस कॉमन लिया क्या आया वन माइनस एक्स कॉस एक्स वाई माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका तो आपकी टर्म क्या वन प्लस वाई कॉस एक्स वाई और अपॉन वन माइनस एक्स कॉस एक्स वाई तो यह आया आपका आंसर ऑफ डी वाई बाय डी एक्स एक्सप्रेशन का यह आपका एक पहला एग्जाम्पल लिया था मैंने अब दूसरा एग्जाम्पल लेके और समझते हैं लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल हमारे पास है टू एक्स प्लस थ्री वाई ज इक्वल्स टू साइन वाई ये एक्सप्रेशन है और आपको फाइन करना है डीवाई बाई डी एक्स मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है वाई को विध रिस्पेक्ट टू एक्स इसका ये मतलब होता है डिफरेंशियट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करते हैं टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्योंकि वन होता है तो एज इट इज वन प्लस थ्री कॉन्स्टेंट रहेगा वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉज वाई dy बाय डीएक्स कैसे आया साइन का डिफ्रेंसिएशन cos वाई एज it इज अब वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy बाई डीएक्स अब dy बाई डीएक्स की टर्म्स को एक जगह लिख लेते हैं थ्री dy बाई डीएक्स माइनस कॉस वाय डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू ठीक है तो अब हमारा आएगा यहाँ पे भी माइनस ले, ले लेते ताकि कॉमन माइनस कैंसिल हो जाए वैसे सही अगर आप माइनस लिखोगे कोई इशू नहीं है कुछ गलत नहीं होगा बट थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के लिए करते हैं माइनस तो dy बाय डीएक्स क्या आया कॉस वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो dy बाई डीएक्स आया आपका टू अपॉन कॉस वाई माइनस थ्री तो यह आया आपका dy बाय डीएक्स ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करने के लिए एक और क्वेश्चन लेंगे थर्ड क्वेश्चन लेते हैं साइन स्क्वेयर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के इसमें हम फाइंड करते हैं डीवाई बाई डी एक्स तो करते हैं इजी है बहुत इजी बस एक एक स्टेप एक एक एक्सप्रेशन को उठा के चलना है इजीली आराम आराम से करना है हो जाएगा साइन स्क्वेयर वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा टू पहले बाहर आएगा टू साइन वाई एज इट इज साइन वाई अब साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई Y हुआ डिफरेंसिएशन इज डी बाई डी एक्स चेन रूल है एक एक करके चलना है प्लस कॉस का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज रखा अब प्रोडक्ट रू लगेगा एक्स वाई में जैसे पहले किया था एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज वन वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज वाई का डिफ्रेंसिएशन इज डीवाई बाई डी एक्स और के इज अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन इज जीरो अब करते हैं टू साइन वाई कॉस वाय डीवाई बाय डीएक्स अब है प्लस को खोलना तो यहाँ माइनस है ना तो माइनस साइन एक्स वाई और वाई भी है तो वाई को पहले लिख देते हैं माइनस हा प्लस सॉरी माइनस आएगा यहां पे भी माइनस है तो एक्स होगा साइन एक्स वाई और डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल्स टू जीरो अब डीवाई बाई डीएक्स की टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं टू साइन वाई कॉस वाई डीवाई dx माइनस एक्स साइन एक्स वाई डीवाई बाय एक्स और दूसरी टर्म को जो सेकेंड टर्म है इसको हम इधर ले जाते हैं वाई साइन एक्स वाई ठीक है डीवाई बाय एक्स कॉमन ले लो टू टू साइन एक्स साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अब डीवाई बाय एक्स देख के पता चल रहा है क्या आएगा y साइन एक्स वाई अपॉन टू साइन वाय कॉस वायस एक्स वाई सॉरी कॉस minus माइनस एक्स साइन एक्स वाई अब ये आपका आंसर आ गया बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका टू साइन वाई कॉज वाय जब आपने लास्ट क्लास uh, में लास्ट टेंथ में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी होती है साइन टू ए की आइडेंटिटी होती है इज टू साइन ए से तो आप देख के बता सकते हो तो इसका हो सकता है हम इसको और इम्प्रोवाइज कर लेते हैं वाई साइन एक्स वाई अपॉन टू साइन वाई कॉस वाई को लिख देते साइन टू वाय माइनस एक्स साइन एक्स वाई तो यह डीवाई बाई डी एक्स मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अगर आप ये नहीं लिखोगे यहीं तक छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बट इट इज बेटर कि अगर आपको पता है तो आप अपने आंसर को इम्प्रोवाइज करो और उसको थोड़ा छोटा करो सो दिस इज इट तीनों एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए हो आई होप इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है फंक्शंस में बस ये है कि जो आपका डीवाई बाई डी एक्स निकलता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकलता है लेकिन जब आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत बेसिक है चेन रूल अप्लाई करना है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्लीज इन केस यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज राइट आउट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू